एक रिक्वेस्ट आंदे गए कि तुस इयां काम करियो सानू तरंग च लपेटियै ते घर पजाई दियो, समझ के सानू नौकरी मिली। असें हुण एक एक करिए पेट्रोल सुट्टी जांदे दफ्तर दे बाद अग्ग लानी है। सिर्फ हुण इच्छा मृत्यु दे रहण नूं तरले मार मार के भी थक गया हूं। नौकरी नहीं हुण नहीं चाहिदी नौकरी, थक गया ही। साढ़े लई के रंग होने सर, बोझे सर पैसा इक नहीं है। बोले कि फंडिंग वधिया नहीं, बच्चे महीने 20-20 हज़ार लब्भा सर, इत्थे पैरे लाने नौकरियां साढ़े। ठीक है तुस साढ़ा साथ नहीं दिया, लेकिन इन्ना काम करो कि साढ़े खिलाफ भी गलत बयानबाजी नहीं करो। पहले बड़े वादे किए, कोई कोई सरपंचा पंचा ने वादा थोड़ी किया, पंजाब पत्र की मोहर लाई देगा, तू आई अपना करैक्टर लेई आया। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। रंगों का त्यौहार है और जाहिर सी बात है ये त्यौहार कहीं ना कहीं खुशियाँ लाता है और रंग बिखेरता है। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर, पहले यहाँ पे जो प्रदर्शन होता था, जो बीएसएफ के जो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था भर्ती के लिए, वहाँ से उठकर अब ये गुरुद्वारे के सामने यहाँ पर ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके बीच आया हूँ क्योंकि होली का त्यौहार है और सभी इस त्यौहार को खुशियों से मना रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये भर्ती को लेकर डिमांड कर रहे हैं कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था उस वादे को पूरा किया जाए, और इनकी आवाज़ बनने के लिए कांग्रेस के युवा नेता भी हमारे साथ है, गौरव जी भी हैं जो पार्षद हैं, ये भी इनके साथ हैं। लेकिन इनसे सवाल हम बाद में पूछेंगे कि आपके सीनियर लीडर कहाँ हैं और खाना पूर्ति के लिए क्या यहाँ पर आए हैं। पहले मैं इन बच्चों से बात करूँगा। और करीब 2 महीने हो चुके हैं, यानी कि आपका नाम क्या है? अजय सर। अजय जी, मतलब 2 महीने, आज बहुत बड़ा त्यौहार, घर से आप दूर और अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को मना भी नहीं सके, होली वाला। सर सारे पहले नमस्कार। सर उंदा तो सर कल भी घर आह्ले फोन करा दे हे कि किश नहीं बनना तुंदा, हुण तुस आई हो, इन्हें सिर्फ इन्हें झूठ मारना हा ते कहली इंदे पिछे लगे दे हो। लेकिन अज जनाब इन्हें इयै गल पुछने कि जेकर तुस किश दी नहीं सकदे फिर उस चीज़ा पर तुस जां तां इलैक्शन टाइम बोला नहीं करा करो कि अस तुसें एह दी उड़गे, तुसें 50,000 नौकरियां दी उड़गे। फिर सर एक होर नमीं चीज़ आई, स्टेट सब्जेक्ट बड़ी मेहनत कन्नै बनाए हे, उसी त्रोड़ी हुण डोमीसाइल आया। चलो मैं चलो स्टेट सब्जेक्ट टुटिया डोमीसाइल आया, ओहदे कन्नै सर डोमीसाइल दे कन्नै 50,000 नौकरियां होर आईयां ही, 1,00,000 नौकरियां ही हैं। 1556 सारियां मंगा दे इंदे कोला, ओह भी इन्नी देन होवे इंदे कोला। सर उस चीज़ की भी नहीं दिखा दे जाने कि 2016 च एक भर्ती आई बीएसएफ की, 2016 उद्दे 21 तक सर एक भर्ती आई, 2018 नोटिफिकेशन आई ही, 19 रिक्रूटमेंट हुई ही और 20 रिटर्न वगैरह जोड़ा भी करवाया ने, लास्ट फाइनल रिजल्ट ना 21 आया हा। और 3 साल लगी है, 4 साल हुई है जनाब, और 4 साल के सर तो पिछले भी चली जाओ ना, 2016 भी पाई लो, 17 भी पाई लो, क्योंकि एज लिमिट नहीं ना उसी अस रखी सकते कि एज लिमिट भी कन्नै जा करती है। 2016 च भर्ती आई है, वो अगर एज लिमिट साड़ी जा करती है, 4-5 साल पर उम्र होंगी बच्चे को सारी भर्ती दिखने की। 16, 17, 18, 19, 20, 21 5 साल तो भी गए। लेकिन इन्हें सर उस चीज़ की सोचना चाहिए कि हर साल बच्चे एज को उपर आते हैं, जल्द भर्ती दिखना स्टार्ट करते हैं, हर साल भर्ती आनी चाहिए, हर साल आनी चाहिए। लेकिन इन्हें भी आख्या कि भर्तियां आगन, क्योंकि ग्राएं दे लोकें एह तां नहीं आन कि भला अस कोटा ही ते फिक्स करी ओड़िया बॉर्डर ते। बिल्कुल जनाब, एह दे विच भी कोटा काटा इन्हें हिसाबा दा गै कीता, ऐसी गल नहीं है। लेकिन 1356 वैकेंसी तुस पूरी दी आ दे जनाब, लेह लद्दाख कश्मीर जम्मू सारा टोटल 1300 वैकेंसी है, 1300 वैकेंसी तुस सारा यूटी वगैरह उधर सागर बिच सारा तो 1356 वैकेंसी दे आ दे 5 सालें दे विच। ओहदे विच 5 सालें च सर किन्ना यूथ सर इस 1,06,000 बंदे ने फार्म एहदे टोकन लैते हे, एहदे 1,06,000 बंदे ने। जिल्लै अस कमेंट पढ़ने होने आखदे भला तुस लोग गलत बैठे दे हो, जिहड़ा ते राणा साहब ने भी आख्या कि जिहड़ा 1356 असें लैना हा ओह असें ले लेदा, कि हुण तुस थुआढ़े बैठने दा कोई मतलब नहीं है, फिर भी थुआढ़ी गल अग्गे तक पहुँचागे। अस जनाब नहीं मतलब जी ये समझाओ, साड़ी पब्लिक भी नहीं समझ आ रही है जी इंदे, एक मिनट इंदे 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 जी इंदे बयानबाजी ना उन्हें गै सुना करदे आ कि तुस साढ़े लोकें की इन्नी गल आखने होने हो कि अस तुसें नौकरियां देगे, साड़ी गौरमेंट आगा अस तुसें एकड़ा काम करगे। और डी डी सी दी इलैक्शन दे दौरान
डॉक्टर साहब उन्हें अंदर बैठी है वादा किया 2000 वैकेंसी का जो अनुराग ठाकुर और भी आए थे क्योंकि दिल्ली का मिनिस्टर ने डी डी सी इलेक्शन बुलाए थे उन्होंने शायद कोई गला डर हो कि भला असें नहीं मिलनी है ना यूथ ने इतने बैठी इनके सामने हैजीटेशन कीतिया बड़िया इन्हें सुनाया कि 10000 वैकेंसी नहीं दे सकते 2000 वैकेंसी तुम्हें दी जागन उस हिसाब का बी एस एफ वाले इन्हें फिट किया 3300 वैकेंसी हुई 3300 वैकेंसी जो कंप्लीट हुई उन्हें 2910 बंद ने कंप्लीट किया है उस वादे की लिया अस इनके कोल इतने बैठे दफ्तर अस बैठने कुछ ही बैठी सकते क्योंकि अभी बैठने लोड़ भी नहीं है क्योंकि बैठने जरूर बिठाया गया इन्हें असें बुलाया तो असें था ना क्योंकि पहला यह होंगे कि कोई वादा करता हा तो उन्हें कोई पुछता नहीं है ये क्लीयर ही क्योंकि कोई नहीं पुछता है जवाब दे देने हूँ जनाब हूँ हर बारी बंदा हर बारी एक लाइन पर चलते रहोगे इस हिसाब करना तो पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ खज्जल ही आगन मुझे ये बताओ कि आप जो कह रहे हैं कि 2000 वैकेंसीज जो हैं वो और की जाए लेकिन क्या ऐसा हो सकता ऐसा नहीं होगा कि अगर 2000 निकलेंगी तो फिर आपको फिर से तो रिटर्न टेस्ट और आपको मेडिकल फिजिकल सब कुछ करना पड़ेगा सर वो कैसे कर सकते हैं वो तो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि अच्छा। सारे एवरेज बच्चे हो गए अच्छा। अब आप एज का जो क्राइटेरिया होता है उसको चेंज थोड़ी करेंगे इन बच्चों के लिए और अगर आप मान लीजिए कर भी लेते हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सारे बच्चे दोबारा से क्वालिफाई हो जाएंगे तो हमने मेहनत नहीं की इन बच्चों ने दिन रात दौड़े लगाई इन्हें दिन रात पढ़ाई की है इन्होंने मेडिकल दिया इन्होंने दोबारा हम भर्ती क्यों दें जो हमारा हक है हमने कोई भीख में नहीं मांगा था इनसे डॉक्टर साहब ने हमसे वादा किया था 2000 वैकेंसीज का मुझे ये भी प्रोसीजर बताओ कि जब आपके फिजिकल फिट हो गए मेडिकल ये कब ये प्रक्रिया लास्ट में होती है क्या सर सबसे पहले होता है हमारा रिटर्न फिजिकल सॉरी सर रनिंग वगैरह उसके बाद होता है रिटर्न जब रिटर्न क्वालिफाई हो जाता ना सर तो लास्ट में बच्चे चुने जाते हैं जितने भी बच्चे सिलेक्टेड होते हैं उनका लास्ट में मेडिकल लिया जाता है मेडिकल अच्छा। क्यों कि अब ये बच्चे फिट हो गए अच्छा। अब इनका मेडिकल चेकअप करेंगे अगर ये मेडिकल भी फिट है देन ये एलिजिबल है जॉब के लिए तो जो मेडिकल का एक प्रोसेस होता है उसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा 10-15% या 20% बुलाए जाते हैं अगर जो उन्होंने लेने होते हैं एक्चुअल में मतलब उन्हीं को बुलाया जाता है जैसे 1356 बच्चे हैं ना ज्यादा से ज्यादा ये बच्चे बुला सकते हैं 1700-1600 ज्यादा से ज्यादा इन्होंने कितने बच्चे बुलाए 3300 डबल से ज्यादा क्यों बुलाए क्योंकि उस दौरान डीडीसी के इलेक्शन चल रहे थे और इनको पता था कि डॉक्टर साहब ने वादा किया है कि 2000 वैकेंसी प्लस होंगी और अगर वादा ये तोड़ देते हैं अगर 1356 ही उठाते तो लोग वोट नहीं देंगे बच्चों का विश्वास उठ जाएगा अच्छा। उस इलेक्शन को जीतने के लिए जब इलेक्शन प्रोसेस हो गया इन्होंने पहले ये चुन लिए 3300 को मेडिकल ले लिया अब हमें पूरा पता था कि मेडिकल लास्ट स्टेप होता है हमने इतनी भर्तियां दी है कितने पास हुए 3300 में उसमें 2910 बच्चे पास हुए तो इन्होंने 2300 में से इन्होंने 1356 और देखे ना 2000 इन्होंने प्लस बोला था 2000 प्लस 1356 कितना होता है 3000 कुछ होता है उतने बच्चे भी नहीं हुए अब हमें पूरा पता था कि यार 3000 बच्चा भी नहीं 2910 बच्चा मजे से हो जाएंगे क्योंकि लास्ट मेडिकल होता है उसके बाद बच्चे के हैंड में थोड़ी कुछ बच्चे ने अपने तीन पड़ाव पार कर दिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो रिटन स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड और इन्होंने प्रॉमिस भी किया था लेकिन जब डीडी सिलेक्शन जीत गए उसके बाद जब लास्ट में निकालते वैकेंसी कितने निकालते 1356 और सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई किस वजह से डिस्क्वालीफाई किए लास्ट में कोई मेरिट निकलता नहीं है आपने मेरिट एकदम से निकाल दिया जब आपके पास 30000 वैकेंसी पड़ी थी अगर हम चलो मान लेते वैकेंसी नहीं होती इनके पास वैकेंसी नहीं होती चलो इनका हो गया कुछ सिस्टम वैसा 30000 वैकेंसी पड़ी जम्मू कश्मीर में तो और 7000 तो इधर जम्मू पलोड़ा में पड़ी है और आपने देनी कितनी है 1556 आपने वो भी ले ली इन बच्चों से इनका रोजगार छीन लिया डॉक्टर साहब को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं उन्होंने एक बार गलती वादे तो उन्होंने पहले से बहुत किए हैं लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि उनके सामने यूथ टकरा गई अब यूथ पीछे नहीं हटेगी क्योंकि हमें 63 डेज हो गए अब आपको लगता है 60 डेज हम यहाँ पे बैठे हम बिना खाली हाथ यहाँ से चले जाएंगे हमारी डिमांड लोग काफी सारे जैसे आप बोल रहे हैं कि इनके ऐसे फालतू में बैठे हैं तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि फालतू यहाँ कोई नहीं बैठा है भूखे पेट बैठते हैं यहाँ पे बच्चे बीमार होते हैं कीड़े मकोड़ों में इधर गंद में सोते हैं किसको शौक है इतने त्यौहार है अपने परिवार के साथ रहने का मन करता है 2-2 महीने हो गए मैं खुद रोटा से आया मैं 2-2 महीने से घर नहीं गया हूँ क्यों क्योंकि हमसे वादा किया गया था दो चीजें होती जब वादा किया उसको निभाना पड़ेगा और मेडिकल में अगर आपने 3300 बच्चा उठाया उसका आप आंसर दीजिए किसकी परमिशन पे उठाया क्योंकि ये तो भर्ती का प्रोसेस नहीं होता है अनपढ़ यूथ थोड़ी है पढ़ी लिखी होता है ग्रेजुएट 12th बेस बच्चे हैं और क्या करना चाहते हैं देश की सेवा बॉर्डर पे जाना चाहते हैं जान देना चाहते हैं अपने देश के लिए लेकिन इनको पता नहीं है ये हमें धोखेबाजी कर रहे हैं मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि इनसे क्वेश्चन पूछिए अगर आपने बच्चे लेने थे आपने वादा क्यों किया अगर आप वादे को निगलेक्ट करते हैं तो आप बताइए इतने बच्चे मेडिकल के बता दूं कि ये बच्चे पहले वहां पर थे कैमरा घुमाइए वो जितेंद्र सिंह जी का घर है देखिए और 144 लगी सर नीचे
मतलब 144 लगाई है यहाँ पे, बैरिकेड्स लगाए, बोला यहाँ पे मजिस्ट्रेट आए थे पुलिस के साथ, SHO साहब के साथ, जब हमें पुलिस लाइन उठाया था उन्होंने बोला यहाँ पे 144 लगी, अगर यहाँ पे आपके ऊपर FIR हो जाएगी। आप बताइए इतने से एरिया में ये मतलब ये प्लॉट, यहाँ गाड़ियों के लिए कोई FIR नहीं है, इनकी पार्किंग के लिए कोई FIR नहीं है, इनके मजदूरों के लिए कोई FIR नहीं है, लेकिन हम बच्चों के लिए उतनी सी जगह में FIR लगी। ये कुल मिलाकर ये है कि ये इस इन यूथ से डर गए हैं। पहले ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करते थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ से निकलते थे और देखते थे, इग्नोर करके चले जाते थे। लेकिन फिर बीच में एक बड़ा अच्छा हुआ कि जम्मू JKUT के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी हैं वो यहाँ पर आए, क्योंकि दर्द को बांटना बेहद ज़रूरी होता है और जब आप किसी का दर्द बांटते हैं तो वो वही समझ सकते हैं जिनमें दर्द का एहसास हो। रविंदर रैना जी को एहसास हुआ और उन्होंने यहाँ पर आके इनके साथ मुलाकात भी की और बड़ा अच्छा यहाँ पर बातचीत हुई। वो बातचीत कैसी थी सर? बातचीत कुछ नहीं थी, लॉलीपॉप था। मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ, हम जब नए नए बच्चे आए यहाँ पे, मतलब आपके दर्द को समझने के लिए आए थे या फिर आपका मजाक उड़ाने आए थे? देखिए यहाँ पे तो हम आपके कंधे पर हाथ रख रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। मैं आपको बात बोलूँ ना सर, जो एक सियासत होती है ना, ये आप किसी के सामने आके बोल देंगे हाँ बच्चों मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, तुम मेरे बच्चे, तुम मेरी यूथ, मुझे बड़ा दर्द होता है जब तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन बच्चों को रिजल्ट चाहिए ना, आउटपुट चाहिए, आप आउटकम दीजिए। अब मैं आपसे बात करता हूँ, दिखावा था, दिखावा। आप बीमार है, मैं आपको बोलूंगी मुझे बड़ी तकलीफ है तेरी, तू बीमार है, अगर मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आपकी जरूरत है, आप क्या करोगे मेरे दिलासे को? वो तीन बार हमारे पास आए, हम स्टार्टिंग में हमें लगा हमें सियासत का इतना नॉलेज नहीं, अभी भी नहीं है, हमने सोचा सर हम हेल्प करेंगे, हमारे CM बनेंगे, लेकिन सर लॉलीपॉप जिसने फौज में जाना उसे सियासत का क्या लेना? वही ना सर, सियासत करने थोड़ी आए थे हम, गांव से बच्चे आए बॉर्डर से, हमें नॉलेज ही नहीं था इस सियासत का, हम यहाँ पे आए तो हमने देखा। इन दो महीनों में समझ गए ना? सब समझ गए सर, अब दिमाग घूमने स्टार्ट हो गया, अब सोचने लग गया। क्या आगे आखना गया सर, ये साढ़े कन्ने इन्हें करा, इन्हें निके बच्चे आते हैं चल पुत चलती आप लाली बाबा देने चल चल कर तू चल कर, ये देखा कम करा साढ़े कन्ने आए सर। एड्डा बड़ा त्यौहार है, होली का त्यौहार है, रंगे का त्यौहार है, लेकिन मी लगा रहा कि जिस हिसाब से बैठे हो तुम्हें लगा रहा कि थोड़ी जिंदगी भी बेरंगी हुई। साढ़े लिए के रंग होने सर, बोझे सर पैसा एक नहीं है, तुम्हें पता जेड़े दो महीने दो तीन दिन उपर हो इत अस बैठे दे, अं कोई शौक थोड़ी इतने बैठने, पहले ठंड होंगी ही हूँ तो गर्मियों मौसम आई है, अं कोई शौक थोड़ी है जी घर क्ढे दे, लेकिन घर आ रहे आखा दे जे इन्हें वादा किता इन घलिया छोड़ना, पहले बड़े वादे किए कोई कोई सरपंचा पंचा ने वादा थोड़ी किता अपने हाँ पत्र की मोहर लाई देगा तू आई अपना करैक्टर ले आया। PMO साहब ने इन्हें देश चलाना, ये अपना जम्मू नहीं चलाई सकता, बंगाल में आखिया तुम 75 लाख नौकरियां देगे, कौन देनी इन्हें 75 लाख नौकरियां? ये जम्मू में वादा किता इन्हें 2000 वैकेंसी का, वह नहीं दया दे, वो अं 65 दिन संघर्ष करते हो रोटी उठे आते हो? रोटी सर लब्भी आ दे खाई लैने, नहीं लब्भा ते इन्ने सही ने भुखे बने, केईं बार सिविल सोसाइटी ली आंदे हुण कोहे आखदे चंगा नहीं लगन होंदा, बार बार गुरुद्वारा गुरुद्वारे आरे भी आरे आखदे ने, लेकिन आपू थोड़ी शर्म चाहीदी आ, इंदे अंदर ते इंसानियत है नहीं है, इन्हें अपनी कुर्सी का होइया बहम। पिछे थानू इत्थों चुकिया भी ते आया? अच्छा जिल्ला थानू इधर चुकने दे बाद तुसीं इधर आए हो? जिल्ला थानू इन्हें चुकिया हा? हां जी सर असीं तो चुकिया सर 12 तरीक। बड़ी विनम्रता देखी है, आए नहीं है ना आही सर उत्थे पार्क च बैठे दे अस, इत्थों जिल्लै चुक्की लैता ना राती कोई 10 बजे छड्डे आने, फिर असें छोड़िया घर ते जाना नहीं होना असें, क्योंकि जेकर आए दे किश करिए जाना, फिर अस पार्क च बैठे उत्थे लोग साढ़े कोल आणगे, फिर साढ़े कोल दविंदर राणा होर भी आए साढ़े कोल बैठन गए, इन्हें सोचा कि इत्थे साढ़े नेरे सामने बैठे ने इत्थे कोई नहीं आई सकदा, ये उत्थे बैठे ने इंदे कोल होर पोलिटिकल भी आवा दे ने शायद कोई गुमराह ना करी लै, फिर राणा साहब उन्हें असें फोन किया, रैना साहब ने अं फोन किया भला तुस उत्थों इधर आइयो, इंदे सदे दे परती इतना आए हैं, एक बार डॉक्टर साहब ने सदया, दूसरी बार रैना साहब ने इतना सदया, अं मतलब कि खुद सोचिए रैना साहब खुद कह रहे कि आइए हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करिए लेकिन वहाँ पे मत करिएगा यहाँ पे करिएगा, मतलब ये कौन सा तरीका रैना साहब, आपसे भी सवाल में बनता है, पक्का रैना साहब ने बुलाया था? बिल्कुल जनाब बिल्कुल। क्या क्या बोला उत्थे प्रोटेस्ट नहीं कर क्या? उन्हें बोलिया तुम इधर आओ मेरे कन्नै मिलो आनी है, जो लाहे इन्हें मिलने आखा नहीं तुम अद्धे घंटे बाद आना, तुम एक काम करो तुम जी ग्राउंड जानिए बेही जाओ। अच्छा दस ग्राउंड जानिए बेही जाओ, अद्धा घंटा होया नहीं तो हम वेट करिए आ रहे हाली तक, भला उन्हें आना साढ़े को, अद्धे घंटे वाला हाली तक कोई मसला नहीं, अस पता लगे इतने बैठे दें। अच्छा
उस अद्धे घंटे लिए है। और सर एक गल और आखनी ही मैं जल्द तुम्हें सुना करता पहला कि ओवरेज की गल करते हैं, भला ओवरेज हो उनकी कोई जवाबदारी नहीं है ना। इन्हें मैं पूछना कि 2016 में लिया 21 के बीच तुम्हें एक भर्ती दी, वो गलती गौरमेंट की है जो ओवरेज हुई उनकी गलती है? वो गलती गौरमेंट की ना, करोना आई वो सारी गलती आई उसी तुम्हें वो कर ओवरेज वे हुई है। मतलब कुल मिलाकर राजनीति हो रही है कि विपक्ष क्यों खामोश है, एनसी पीडीपी कांग्रेस अपनी पार्टी जो नई नई पार्टी बनी है कहती है कि हम जम्मू कश्मीर में बेहतरी लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो नेता कहाँ है ये सबसे बड़ा सवाल है। राणा साहब वहाँ पे तो चले गए पार्क में मिलने के लिए, लेकिन एक बार भी यहाँ पर नहीं है। बड़े बड़े नेता यहाँ पर, देखिए जिनकी हुकूमत होती है जिनकी सरकार होती है उनमें हनक ज़रूर होती है और वो बताते हैं कि देखिए हम सरकार है हमने ऐसे चलना है, और अगर वो सरकार गलत फैसले लेती है यूथ के अगेंस्ट है तो विपक्ष का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि उस पर प्रेशर बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है वो खुद ब खुद एक अपनी उसमें खोया हुआ है कि क्या मालूम अगर हमने ये भूमिका निभाई शायद हमें कहीं अंदर ना कर दे, ये बड़ा एक खौफ सा चल रहा है उनके दिमाग में। और वो भी नहीं है क्या कहते इलेक्शन भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के दो नेता यहाँ पर, एक कॉरपोरेटर, इनसे हम पूछेंगे सर खाना पूर्ति के लिए आए हो यहाँ वाकई इनके साथ हो? पहले तो मैं सबको आपकी तरफ से और आपके माध्यम से इन बच्चों को आज होली के दिन मुबारकबाद देना चाहता था, लेकिन विडम्बना यह है कि देश में डिक्टेटरशिप इस हद तक बढ़ गई है कि 60 दिन सर, 2 महीने होते हैं, 2 महीनों से ये बच्चे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस के बाहर बैठे हैं। कभी इनको वहाँ से लाठी दिखाई जाती है, वहाँ से बखाया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे बिठाया जाता है, इन्हीं के द्वारा बिठाया जाता है। तो ये कैसी विडम्बना है कि हंडा साहब सवाल यही है ना, आपके बड़े लीडर कहाँ पे है? देखिए बड़े लीडर तब होते हैं जब जनता उनके साथ होती है। तो फिर इसका मतलब जनता आपके साथ नहीं है? जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, इसलिए हम इनके साथ हैं। अगर ये हमारे साथ नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं दिखते, आज हम इनके साथ तो है। एक बड़ा लीडर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है कि इनकी आवाज। ललित जी नमस्कार, आपको आप सबको होली की मुबारक है और इन बच्चों को भी जो अपनी इन बच्चों नौकरी की तो, के लिए यहाँ बैठे तो, हैं। और होली तो बेरंगी हो गई है ना यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हम भी होली का त्यौहार छोड़कर अपने परिवार को छोड़कर इन्हीं बच्चों के बीच में आए हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने ललित जी कहा कि सीनियर लीडर्स कहाँ हैं, तो मैं बता दूं कि सीनियर लीडर्स हमारे जो रमन भल्ला जी हैं वो इनके बीच में आए थे और यहीं पर आए थे। मैं आपको एक बात बता दूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो पिछले 45 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में हर वार्ड में, जिस प्रकार आपने देखा कि प्रॉपर्टी टैक्स हम कॉर्पोरेट कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स ने मजबूर कर दिया पर आ जाते, तो मजबूर कर, ताकत बनती मजबूर कर दिया कि वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगे हाउस के अंदर। और कांग्रेस ने जिस प्रकार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के ऊपर प्रोटेस्ट किया डिस्ट्रिक्ट वाइज, कुछ नहीं बोले ना, इन बच्चों के लिए भी हम लोग आए हैं। और मुझे लगता है कि हमारे सीनियर्स जो हैं यहाँ आएंगे क्योंकि इन बच्चों को लगता था कि हम पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, पॉलिटिक्स का वही नहीं है। क्योंकि देखिए जब आवाम की आवाज हुकूमतें नहीं सुनती हैं तो विपक्ष एक अहम भूमिका निभाता है। ललित जी इन बच्चों से एक गलती हुई है और वो गलती हुई है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और वोट करने के बाद उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म में उस भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी किया। आज ये बच्चे मानते हैं, हमारे जो लीडर्स थे वो जानते थे कि ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि जो आज की डिक्टेटरशिप जो डिक्टेटरशिप चल रही है, कौन ले जाएगा आगे? इनकी आवाज़ हम ही बनेंगे और हम आपके सामने बैठे हैं यहाँ पर। और आपका कहना ये है कि आप ये चाहते हैं कि हम सड़कों पर तोड़फोड़ करें, तो वो भाजपा कर सकती है, कांग्रेस हमने नहीं कहा कि तोड़फोड़ का, हम कह रहे हैं कि आपने आप देखो विपक्ष को आप तभी मानते हो कि वो सड़कों पे लोगों का नुकसान करे, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान करे, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करे, तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी भूमिका से हट रहे हैं या मन में, या फिर यह मन में है कि हाँ जी हम इनके साथ हैं, हम दिल से इनके साथ हैं और तब तक इनके साथ रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है। चलिए देखते हैं कितने कांग्रेस के लीडर यहाँ पर आते हैं इनसे बात करने के लिए।
दूसरा ये है कि मैं बार बार इन नेताओं की मैं बात भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें बोला जाएगा कि आप ये हैं आप वो हैं, कि जब आपने वादा किया था तो फिर उसको निभाना चाहिए था, पूरा करना चाहिए था, क्योंकि इन बच्चों को, और एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, आप इस वीडियो को देखिएगा कि किस तरह से इन युवाओं की भावनाओं के साथ ये खेले हैं, इन युवाओं की बेबसी के साथ किस तरह खेला गया। ये वीडियो आप देखिए कि इनको प्रोटेस्ट करते, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और राणा साहब जी ने इनको कार्यकर्ता बना दिया। मैं इसलिए कहता हूँ कि आज जनता जनता नहीं रही, आज कार्यकर्ता बनती जा रही है और इन यूथ को भी कार्यकर्ता इन्होंने बना दिया ताकि जो डिमांड ये कर रहे हैं वो ना करें। पहले अब ये वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और किस तरह से इन यूथ के गले में भारतीय जनता पार्टी का जो गमछा था वो डाला गया, देखिए आप। कृपया मेरा युवाओं से अनुरोध है, जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है वो कृपया मंच से नीचे उतर जाएं, कृपया मंच पे रश ना करें, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मंच से उतर जाएं। मेरा मंच पर सभी युवाओं से आग्रह है कि जिन जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है वो कृपा करके मंच से उतर जाएं। आपके मेरी ढाई और भोजन की व्यवस्था है, कोई भी कार्यकर्ता बिना भोजन के नहीं जाएगा। दादा मैं बाद में पीछे रहूंगा। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, तो आपने देखा यानी कि ये डिमांड कर रहे हैं और एक बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है ये भारतीय जनता पार्टी की, एक बड़ी ज़बरदस्त नीति है कि अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है या उनसे जवाब मांगता है तो सबसे बेहतर यही तरीका है कि आप उनको अपनी पार्टी में शामिल कर ले। सर तो इनकी आवाज़ किस तरह से, इनकी आवाज़, इन बच्चों ने हमें अप्रोच किया और मैं पहले भी यहाँ पे आया था, हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब को इनका मेमोरेंडम पहुँचा दिया है क्योंकि इन बच्चों को भी लगता है और हमें भी लगता है और जम्मू कश्मीर को भी लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो जम्मू की बात रखते हैं और ख़ास करके इन बच्चों की आवाज़ रखेंगे, तो वो मेमोरेंडम हमने वहाँ पहुँचा दिया है। मैं आपके माध्यम से बता दूँ कि जो हमें नुकसान हो रहा है, जो खासकर युवाओं को नुकसान हो रहा है, वो नुकसान 370 का विशेष जो अधिकार थे उनके तहत हो रहा है। हमें विशेष अधिकार था, 5 साल की रिलैक्सेशन थी एज के अंदर, कि हमें जो हमारे बच्चे थे उनको 5 साल की रिलैक्सेशन थी 370 के तहत, कि हम लोग फौज में अगर हमारा एज कम है, ज़्यादा हो गई है, तो 5 साल में एडजस्ट होते थे, लेकिन इन्होंने उसको हटा दिया। आज ये लड़के विवश है ऐसे आंदोलन करने पर। तो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष, मैं बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, ये मैं आपको थोड़ा बताता हूं। ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पे खाना पकाने का सामान यहाँ पे रखा है। सोचिए आज त्यौहार है और यहाँ पर हम सब, ये नेता देखिए, ये नेता मिलन कर रहे होंगे, आगे होली मिलन कर रहे होंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे होंगे इस ऑफिस के अंदर, और दूसरी पार्टी के नेता भी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, अपनी पार्टी, ये सब के सब ऐसे नेता एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होंगे, लेकिन इनकी खुशियों को कौन देखेगा। और मैं आऊँगा आपके पास, फिर से बात करूँगा, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, युवाओं से। कितने आप भी पिछले 7 दिनों से यहीं पे हो? जी सर। घर नहीं गए? नहीं सर। आपको क्या लगता है कि कुछ होगा? सर उम्मीद तो है, अभी देखते हैं क्या होता है, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, अभी 63 डेज हो गए, तो और भी हमने काटने हैं यहाँ पे। मतलब अब आश्वासन नहीं चलेगा? जी, अभी मतलब जब तक हमारा हल नहीं निकलेगा हम बैठेंगे यहाँ पे, जब तक हमारा हल नहीं निकालेंगे कोई भी, हम घर नहीं जाएंगे। तो कहाँ कहाँ से आए हैं यहाँ पे? सर हर एक डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, जम्मू, सांबा, कठुआ,
बिलावर रजौरी पुंछ जहाँ जहाँ से जितों जितों तक भी बच्चे आए सकते आए दिन तो इतने रोंदी रातील फिर कुछ जाना सर इन्हें फाइव स्टार होटल बना लेता है कुछ जाना तो रोटी रा कदे मिलती कदे सोसाइटी वाले देंगे कदे नहीं तो एक गुरुद्वारा भी है ना एक चलो ये भी सपोर्ट करिए उसने ये दुख नहीं है सर साड़ा ये तो कोई वो चक्कर नहीं है लेकिन चक्कर ये जो लैने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती ये स्टेटमेंट देंगे ना वो तो दुख लगता है वो चीज़ है थोड़ा लगता है कि थोड़ी भावनाएं खेलिया गया है बिल्कुल सर लास्ट एक ये लास्ट रिक्वेस्ट है सर ये आप बड़े दिनों ही आखते हाँ। लास्ट इ रिक्वेस्ट करनी है कि अगर तुम तो अस नौकरी नहीं मंगते नौकरी तुम तो स्कोर रखो एक रिक्वेस्ट है सर कि असें हून एक एक करिए पेट्रोल सुट्टी इंदे दफ्तर के बाद अग लानी है यदा जिम्मेवार बीजेपी गौरमेंट होगी और एक रिक्वेस्ट इंदे गै कि तुस इ'यां कम्म करो सानू तरंग च लपेटियै ते घर पजाई ओड़ो अस समझ के सानू नौकरी मिली है नहीं एह ते तुस आत्मदाह दी धमकी देआ दे हो ना एह थोड़ा चलना है फिर के और करचे के सर जद सानू नहीं ऐसा नहीं देखिए हम इस चीज के वो नहीं है इस चीज को थोड़ा बढ़ावा देना आपने बिल्कुल अस मनने अस भी थोड़ी चाहने आ लेकिन तुस पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं करा दे जद पीसफुली भी तुस हरासमेंट करा दे फिर बच्चा कुत्थे जाग मतलब कियां के तंग करा दे सर उत्थे असें थल्ले टेंट लाया दा इन दरियां चुकियां लेई पानी जी सोसाइटी ने या जो भी पोलीटल लीडर ने बेचारे इंसानियत नाते प्रोवाइड की चुकी ली फिर बच्चे कुछ तो कुछ करना ना तो उत्थे तो 144 लाई दी नवा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुई है कोई कि दसें मरले जी 144 लग बच्चा के कोई तरी पीसफुली तो बैठन देने चाहिए ना बच्चे की अगर तुम नहीं साढ़ा काम करा सकते साढ़े सपोर्ट तो करो के करग बच्चा उन्हें कुछ तो कुछ करना ना लास्ट को इे चांस बचता फिर के करग चलो केह कहना मैं रिक्वेस्ट ही कर सकने अं साड़ी मना दा नहीं तरले मार मार के भी थक गया हूँ सिर्फ हूँ इच्छा मृत्यु दे देना सू कोई इंदे ते कोई साड़ी तरफ कुछ अं कुछ नहीं चाहते सिर्फ इच्छा मृत्यु दे देना सू सू नौकरी नहीं होना नहीं चाहिए नौकरी थक गया अं बड़ी कर ली नौकरी 2 महीने तो नौकरी कर ली दिवालियाँ जो होली साड़ी इतने होगी शिवरात्रि साड़ी इतने होगी नौकरी की है जे अगर नहीं नौकरी करते होंगे तो घर होंगे शिवरात्रि घर मनानी ही होली घर खेलनी रंग घर लाने हे यही होली है इतने गए शिवरात्रि होगी इनको उम्मीद ही सर जिस दिन घरों निकली आए इनके को उम्मीद ही काम करने की हाला अजय भी है करी भी सकते हैं लेकिन पता नहीं किड़े पॉलिटिकल एजेंडे तहत चलो ये आप देख सकते हैं भावनाएं और जब भावनाएं आहत होती हैं तो इस तरह के जो अल्फाज है वो निकलते हैं हालांकि अभी भी इनको उम्मीद है कि इनकी सुनी जाएगी लेकिन सवाल यही है कि इस एरिया में 144 ये बड़ा एक अजीब सा सवाल है और जवाब तो खैर ये देते नहीं है और दूसरा यही है कि क्या इन बच्चों की सुनी जाएगी कि आप सोचिए घर बार छोड़ कर यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन कोई इनका सुनने वाला नहीं है बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते हैं मिलते हैं और वादा करके चले जाते हैं फिलहाल इसी उम्मीद के साथ हम भी यहाँ से इजाज़त चाहेंगे और दूसरा ये कि आप वादा करने से पहले ये सोच लीजिए कि आप जब भी इस तरह का वादा करते हैं तो आप यूथ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं और जो वीडियो हमने आपको दिखाया वो वीडियो भी एक सवाल उठाता है कि आप इनको नौकरी तभी देंगे जब ये भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलेंगे या फिर उसके कार्यकर्ता बन जाएंगे फिर आप नौकरी देंगे अदरवाइज़ आप कोई इनके साथ किसी तरह का कोई बातचीत नहीं करेंगे अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जनाब अस मतलब थोड़ी सुना करते हैं कि ठीक है तुम साढ़ा साथ नहीं दिया लेकिन इन्ना काम करो कि साढ़े खिलाफ भी गलत बयानबाजियां नहीं करो जियां आर एस पठानी और आखा दे कि वो मीडिया पर गै सवाल चुका करते हैं कि मीडिया ने आसमान उपर लिया करती है ऐसा काम नहीं करो जनाब जेकर तुस अहीं चुक्की नहीं सकते एदा साढ़ा मनोबल भी इन्ना थल्ला करो ना तो पठानिया साहब ये पूछना चाहिए हां पठानिया जी से भी एक सवाल है कि आसमान पे इनको नहीं बिठाया जा रहा है आसमान पे मीडिया आपको बिठा रहा है जो बार बार आपके पास इंटरव्यू लेने चले जाते हैं और आप उसी के तहत अपना एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं थोड़ा ये भी ध्यान रखिए और दूसरा यूथ की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ खेला जा रहा है उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा हाँ जी सर मतलब मैं पहले भी आख्या कि दुख तो आंदा है मतलब कल तुस कांग्रेस से कल तुं आइडियोलॉजी हो रही अज तुसें पार्टी बदली अस पार्टियां नहीं बदला दे साढ़ा स्टैंड अस इतों अस देश भगत अस वर्दी पा आए हैं तुस पार्टी कल तुस कुछ होर पार्टी जाके तुस आ गए आतंकवादी न मतलब फिर तुं आइडियोलॉजी रही कि मीडिया तुसें सपोर्ट करा दा
ਕੁੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਬੋਲੇ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਹੀਨੇ 20,000 ਲੱਭਾ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪੈਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਦੇ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਇਹਨੇ ਚਕਾਏੜੇ ਬੂਟ ਰੋਟੀ ਸਭ ਚਕਾਏੜਿਆ ਪੌਣੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਰ कोई मतलब नहीं है आम आदमी पार्टी जान उम्मीद हूं पता लगा कि आर एस पठानिया साहब भी कोई लीडर है मैं उस पास अस उस पास नहीं जाना चाहते बच्चे लेकिन साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि जो साड़ा काम किया जाए अस वर्दी लैन आए सानू वर्दी दी जाए साड़े मसले का इन्हें पता नहीं है मतलब इन्हें कुछ ही साड़े मसले का मैक्सीम जो लीडर उन्हें मसले का नहीं पता है लेकिन वो अपने अंदर बैठिए बयानबाजी करती है जनाब तू 10 मिनट साढ़े को आओ इतना ग्राउंड में आओ इतना बच्चे पूछी आओ तुम्हारा मसला क्या फिर तुम मीडिया बयानबाजी करो फिर तुम अच्छे लगोगे कि ठीक है इन्हें मसले का पता हा फिर गल पता नहीं कुल मिलाइए कि इस आंदोलन खत्म करने की कोशिश की बिल्कुल मतलब ये बोला है कि इतों चली जान बगैर तुस अहें घर भेजो तैयार हो अस जनाब आखें तुस अहें घर भेजो सिर्फ एक गल आखी हो कि डॉक्टर साहब और तुम डॉक्टर साहब आपे भेजी उन्हें अहें घर कि अस वैकेंसी नहीं दे सकते वो सिर्फ DDC इलेक्शन दौरान अहें सिर्फ बोली उड़िया हा ये काम होंगे नहीं हैं अस उस वे अपना सारा समान जोगे घर चली गए पर आखनी नहीं गल मीडिया दौरान ये नहीं है कि भला कमरे अंदर गा खिड़ो नहीं नहीं वो इतना आखना क्योंकि सारे एक गलती हुई है पहले भी जी तुम बंद कमरे अंदर वादा कर ना वो गलती हो बार बार नहीं दोहरा लगे क्योंकि बेवकूफ बंदा एक बार बनता दो बार बनता बार बार बंदा बेवकूफ नहीं बनता चलो चलो अस भी ये कर सकते फिलहाल इजाजत दीजिए नमस्कार। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश अमरीकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स NCC बायजूस टाटा रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है और हाँ इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है।